हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए, आज हम लोग समझते हैं फैराडे के नियम, यानी फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित कुछ बातें बताई थी, वही के आपको इनको बना कर देख दिया नियम। तो इनके दो नियम होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही क्या होता है एक्चुअल में। तो देखिए, आप मान लीजिए ये कोई वैध चुंबकीय क्षेत्र है, इसको सपोज कीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब आप कोई क्वाइल ले जाकर रख देते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कुंडली रखते हैं, तो जब किसी कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो कुंडली के फेरों से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। इस घटना को ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे? जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, इसकी वजह से कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए, इसी से रिलेटेड इन्होंने एक नियम बताया, जिसका पहला नियम कहा गया, इसका नाम है प्रथम नियम। देखिए, फैराडे ने बताया पहला नियम, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये था कि कोई कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में आप कस के घुमाएंगे, तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर। देखिए, ईएमएफ या वैद्युत वाहक बल को हम लिख देते हैं ई से, और ये होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, इसे लिखते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। देखिए, नीचे टी होता है, इसे बोलते हैं रेट या टाइम, है ना, तो इसे बोलते हैं दर। दर किसकी? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर इसमें मान लो फेरे एन है, तो ये हो जाएगा एन, तो E बराबर माइनस का N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। अब ये वैद्युत वाहक बल है, तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो देखिए, ये होता फैराडे का पहला नियम। अब बात कर लेते हैं दूसरा नियम। इन्होंने एक दूसरा नियम भी बताया, दूसरा नियम देखिए इन्होंने क्या बताया। दूसरे नियम में लिखेंगे उत्पन्न, यहां पर ऐसे लिख देंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। साथ साथ में बोलिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। अब देखिए, जैसे पहला नियम में था वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया था चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, अब ये माइनस जानते हैं आगे क्यों लगा है, क्योंकि ये उस, अब बताइए वैद्युत वाहक बल किस चीज़ से उत्पन्न हुआ? तो आप बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स में लगातार जब परिवर्तन होता गया, तो उसकी वजह से आपका उत्पन्न हो गया वैद्युत वाहक बल। अब ये माइनस चिन्ह केवल यही दिखा रहा है कि इसका विरोध कर रहा है, माइनस दिखा रहा है कि ये फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध कर रहा है। तो देखिए, पहले नियम में ही आपका दूसरा नियम छिपा हुआ है। तो इन्होंने दूसरी बात बताई
तो उसी को दूसरा नियम बोल दिया गया। इन्होंने बताया कि जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना फ्लक्स परिवर्तन से, ये उसी का विरोध करता कि फ्लक्स परिवर्तन ना हो, है ना, इसी चीज को कहते हैं क्या दूसरा नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वाकटनज में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल अथवा धारा की दिशा ऐसी होती कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम को लेंज का नियम भी बोलते हैं। इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। इस नियम को लेंज का नियम, इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। तो देखिए एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए। फैराडे के दो नियम, पहला नियम, जब आप किसी कुंडली को, मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लीजिए आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसको मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में टोटल आप एक कोई कुंडली को रखेंगे, उसको लगातार कस के घुमाएंगे, उसको जब घुमाएंगे तो उसमें से चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होने लगेगा। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने की वजह से, उसमें परिवर्तन होने की वजह से कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे बोलते हैं क्या? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, या इसे बोलते हैं फैराडे का पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में आप रख के, चुंबकीय क्षेत्र में रख के घुमाएंगे, तो उसमें जो आपका चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा ना, तो उसकी वजह से जो आपका वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा निकलेगी, तो उसकी दिशा ऐसी होगी कि वह उसी चीज का विरोध करने लगेगी कि फ्लक्स में परिवर्तन ना होने पाए। तो ये आपका दूसरा नियम, और इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका अच्छा है, इसे लैंग्वेज फॉर्म में अच्छे से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। थैंक यू एवरीवन।